Very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the new chapter, Unit 12, Let Us Know More. This is also the last chapter of your English prose. In this chapter, we will be learning about famous personalities. We will also know some social awareness. A poem is given, which we will understand and write in our notebooks. And finally, the chapter also has some portion of grammar. I am going to share some answers for the activities given in the book, and there are some other activities which you have to do on your own. So let's start with the chapter. Unit 12 Let Us Know More. Activity 1 Read the following passage and answer the questions given below. Now, here in this पेज दट इज पेज नंबर वन जीरो फाइव यू कैन सी दैट इज शॉर्ट पैराग्राफर टेरेसा इज गिवन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ फ्यू क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्ड बिलो द पैराग्राफ यू हैव टू आंसर न यू आर सपोज टू राइट आंसर्स इन योर टेक्सट बुक ओनली इन गुड हैंड राइटिंग सो लेट्स रीड द पैराग्राफ आपको यहाँ पर एक छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है मदर टेरेसा के ऊपर इन इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जब हम पैराग्राफ समझेंगे तो उसके बेसिस पे हम आंसर्स भी डिस्कस करेंगे मदर टेरेसा मदर टेरेसा वाज बोर्न इन अल्बानिया इन 1910 एंड डाइड इन 1997। मदर टेरेसा जो हैं इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था नाइनटीन टेन को नाइनटीन हंड्रेड टेन को और उनकी मृत्यु कब हुई थी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में हुई थी हर रियल नेम इज़ एग्नस गगजा बोजाक्शियो उनका रियल नेम क्या है एग्नस गॉन्गजा बोजाक्शियो शी बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर फॉर स्टार्टिंग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता इंडिया ये किस चीज़ के लिए फेमस हुई ये पूरी दुनिया में अपनी मिशनरी जो उन्होंने चालू की थी कैलकाटा में फॉर चैरिटी तो ये जो मिशनरीज उन्होंने चालू की थी इसके लिए ये वर्ल्ड फेमस हुई शी बिगेन दिस वर्क इन नाइनटीन फिफ्टी एंड फॉर ओवर फोर्टी ईयर्स शी लुकड आफ्टर द पुअर सिख औरफेंस एंड डाइंग उन्होंने ये मिशनरीज जब चालू करी तो उन्होंने मिशनरीज़ का काम कब चालू किया नाइनटीन फिफ्टी में चालू किया और अगले चालीस साल तक वो यही काम करती रहे उन्होंने इस मिशनरीज में किसकी देखभाल करी गरीबों की जो बीमार थे उनकी अनाथ की और जो मर रहे थे उनकी भी ठीक है शी वन द नोबल पीस प्राइज़ इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन उनको कौन सी प्राइज़ मिली थी नोबल पीस प्राइज कौन से ईयर में नाइनटीन सेवेंटी नाइन में फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन वर्क का मतलब है इंसानियत का जो उन्होंने काम किया था उसके लिए उनको नोबल पीस प्राइज नाइनटीन सेवेंटी नाइन में मिली शी एन इंटरनेशनल सिम्बल ऑफ चैरिटी विजिटिंग मैनी कंट्रीज़ टू हेल्प पुअर चिल्ड्रेन वो इंटरनेशनल सिम्बल उनका किस नाम से बना उनका चैरिटी के लिए मदर टेरेसा को इंटरनेशनल सिम्बल माना गया है और उन्होंने कई देशों में विजिट किया गई अलग अलग देशों में और वहाँ पे गरीब बच्चों की मदद करी एन इंटरनेशनल सर्वेड हर एज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एक इंटरनेशनल सर्वे जो संस्था थी उसने मदर टेरेसा को सबसे लोकप्रिय बीसवीं सदी की सबसे लोकप्रिय पर्सनालिटी के रूप में माना गया ठीक है ये संस्था ने माना अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे राइट फोर पॉइंट्स अबाउट मदर टेरेसा तो आपको यहाँ पे मदर टेरेसा के चार पॉइंट्स लिखने हैं उनके बारे में मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन नाइनटीन टेन मदर टेरेसा कहाँ बॉर्न हुई थी वो लिखना है शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कैलकाटा ये पॉइंट नंबर टू she looked after the poor sick orphans and the dying she won the nobel peace prize in 1979 for her humanitarian work so these four points you are supposed to write in answer number 1 if you find अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेस कम दी गई है और आपकी हैंड राइटिंग और आंसर बड़ा है तो आप ये सारी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या आप एक्टिविटी वन लेबल डालेंगे अपनी नोटबुक में और फिर अपनी नोटबुक में ही क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर वन लिखना है फिर उसका आंसर फिर क्वेश्चन नंबर टू फिर उसका आंसर एंड सो ऑन ओके क्वेश्चन नंबर टू विच अवार्ड वॉज गिवन टू मदर टेरेसा एंड वाई उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था और क्यों दिया गया था तो उनको नोबल पीस प्राइज़ का अवार्ड मिला था 1979 में फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क दिस इज़ योर आंसर नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस मदर टेरेसा क्यों प्रसिद्ध हुई क्यों फ़ेमस हुई तो मदर टेरेसा बिकेम फेमस फॉर स्टार्टिंग द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कैलकाटा वो फेमस हुई क्योंकि उन्होंने कैलकाटा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था इसलिए वो फेमस हुई क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर से स्विच लाइन्स इन द पैसेज डिपेक्ट दैट मदर टेरेसाज वर्क वॉज अप्रि अप्रीशिएटेड एंड लव्ड आपको पैसेज में से कौन सी लाइन से पता चलता है कि मदर टेरेसा का वर्क जो था वो अराउंड द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया गया था और सराहा सराहा गया था तो एन इंटरनेशनल सर्वे रैंक्ड हर एज द मोस्ट एडमायड पर्सन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इज योर आंसर एक इंटरनेशनल सर्वे ने ये रैंक किया था कि वो सबसे ही सबसे लोकप्रिय पर्सन है बीसवीं सदी की सो so ये सेंटेंस से हमको पता चलता है कि उनका जो काम था वो अराउंड द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया गया था और लोगों ने पसंद किया था अब यू हैव अनदर सेट ऑफ पैराग्राफ्स गिवन ऑन थामस एल्वा एडिसन जो कि एक साइंटिस्ट थे लेटस्ट रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड देर आर अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेक अवर लाइफ एंड वर्ल्ड बेटर हमको तो ये मालूम ही है पहले भी पढ़ा था हमने कि कई साइंटिस्टों ने बहुत सारा काम किया है और क्रिएटिवली उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज की है जिससे कि हमारी और बाकी दुनिया के लाइफ बेटर हो सके साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज सम मेक मेडिसन्स टू सेव लाइफ वेल सम अदर डेडिकेट दैमसेल्स टू टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। लेटर्स रीड अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मच मोर अब हमने वैसे देखा है कि साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं कोई मेडिसिन में काम करता है कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग ही टाइप के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया था मतलब इन्वेंट किया था ठीक है एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन थॉमस सेल्वा एडिसन इज द फुल नेम फॉर एडिसन तो अगर पैसेज में एडिसन सिर्फ लिखा है दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म दे आर यूजिंग टू मैंशन द साइंटिस्ट थॉमस सेल्वा एडिसन एडिसन वॉज बॉर्न इन ओयो इन द यू एस ए इन एटीन फोर्टी में 1847 में एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था यूएस के शहर ओहियो में एट स्कूल हज टीचर थॉट हिज़ आइडियाज़ वे क्रेजी एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफ़िकल्टी जब वे स्कूल में थे तब उनकी टीचर को लगता था कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो अजीब व गरीब हैं और शायद उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती।, होती है उनको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम इसके बाद उनकी माँ ने उनका जो स्टडीज़ थी वो घर पर ही स्टार्ट कर दी ही वॉज़ फुल ऑफ क्यूरसिटी एंड शी एंकरेज हिम टू लर्न थिंग्स फॉर हिमसेल्फ उनमें ना वो बहुत ही जिज्ञासु थे उनको हर चीज़ जाननी होती थी और उनकी जो माँ थी वो उनको खुद से सीखने देती थी कभी रोकती टोकती नहीं थी ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ अ स्टीम इंजन एंड स्टीम पावर्ड सॉ मिल उन्होंने वर्किंग मॉडल बनाए स्टीम इंजन के और स्टीम पावर सॉमिल के एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स और उन्होंने केमिकल्स के साथ में भी काफ़ी प्रयोग किए एडिसन फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ ही रिकार्डेड इट एज अ टॉय एंड डिज़ाइन टॉयज दैट यूज द डिवाइस इंक्लूडिंग टॉकिंग डोल्स एंड चिल्ड्रंस पियानोस एडिसन का फेवरेट इन्वेंशन था फोनोग्राफ फोनोग्राफ वो फोनोग्राफ को एक टॉय की तरह खिलौने की तरह समझते थे और बाकी के टॉयज़ भी वो इस तरीके से डिजाइन करते थे कि उन्हें फ़ोनोग्राफ़ यूज़ करना पड़े जैसे कि बात करने वाली गुड़िया और बच्चों के पियानो ही इम्प्रूव्ड ही इम्प्रूव्ड हिज द फोनोग्राफ सो दैट इट कुड रिकॉर्ड एंड प्ले म्यूज़िक उन्होंने फ़ोनोग्राफ को इस तरीके से इम्प्रूव किया कि उसमें आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो और म्यूजिक प्ले कर सकते थे एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव द टेलीफ़ोन सिस्टम दैट हैड बिन इन्वेंटेड बाई एलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था एलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इन्वेंट किया था लेकिन उस टेलीफोन में उन्होंने एडिसन ने एक इम्प्रूवमेंट बहुत से इम्प्रूवमेंट लेकर आए ये टेलीफोन सिस्टम में ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल उन्होंने इलेक्ट्रिक बेल का भी निर्माण किया दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन ये उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था बाकी इन्वेंशन में ये भी एक बड़ा इन्वेंशन था वेल ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बट डिड नॉट गिव अप जब वो ये इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे इन्वेंट कर रहे थे तब वो बहुत बार वो बनाने में असमर्थ ले लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी अनदर एडिसन इन्वेंशन वॉज द कैनिटोस्कोप ये जो कैन काएन, है वो एक बॉक्स है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स की स्ट्रिप होती है अपने पुराने जमाने के वो फोटोग्राफ देखे होंगे जिसमें एक आदमी एक कपड़े के अंदर बैठ जाता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए और एक पहले आता था कैनेटोस्कोप जिसमें हम फोटोज़ को मूव करते थे और अंदर हमें पिक्चर्स अलग अलग दिखाई देती थी वैन वन लुकड इन टू द बॉक्स ये जो कैनेटोस्कोप था ये जो बॉक्स था जो एडिसन ने बनाया था उसके अंदर जब कोई झांकता था और वो बॉक्स के अंदर वो स्ट्रिप कैसी लगती थी मूव करती हुई दिखती थी द ऑब्जेक्ट्स इन द फोटोज अपियर टू बी मूविंग ये जो स्ट्रिप जब हम उसको मूव करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे फोटोज़ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिल रहे हैं एडिसन मेड मैनी अदर इन्वेंशंस इसी तरीके से एडिसन ने और भी इन्वेंशंस किए अब आती है बारी एक्टिविटी टू की फाइंड एंड राइट अबाउट योर फेमस साइंटिस्ट मैं यहाँ पे अपने फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिख रही हूँ आप अपने फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू राइट अबाउट एलेक्जेंडर ग्राम बेल तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट क्या आएगा एलेक्जेंडर ग्राम बेल ठीक है फिर उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस दिए वो आपको लिखने हैं तो आप चाहें तो नेट पर अपने फेमस सेंटिस के बारे में पता कर सकते हैं और हमने आगे भी आ, हमारे इनिशियली जो थर्ड फोर्थ चैप्टर था सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो है उनमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी है तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलेक्जेंडर ग्राम बेल ओके एंड आप अपने फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिख सकते हैं सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ अलेक्जेंडर ग्रामबेल उन्होंने क्या इन्वेंशंस किए तो ही इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन वो अलेक्जेंडर ग्रामबेल किसके इन्वेंशन के लिए प्रसिद्ध हैं टेलीफोन के बिसाइड्स दिस ही हैज़ इन्वेंटेड द फॉलोइंग उन्होंने इसके अलावा भी ये कुछ चीज़ें बनाई हैं इन्वेंट की है अ डिवाइस कॉल फोटोफोन फोटोफोन क्या होता है विच ट्रांसमिटेड साउंड ओवर अ बीम ऑफ लाइट जो साउंड है वो लाइट के बीम के ऊपर जो आ, बीम है उसके ऊपर साउंड ट्रांसमिट किया जाता है उन्होंने एक और चीज़ इन्वेंट की विच इज़ नोन एज टेलेक्ट्रोस्कोप टेलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है वो डिवाइस जिसकी वजह से आप दूर की इमेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं बेल इज़ आल्सो क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ मेटल डिटेक्टर उन्होंने मेटल डिटेक्टर का भी इन्वेंशन किया है आपको इसके साथ में पीछे पेज नंबर वन ज़ीरो एट में अपने फेवरेट साइंटिस्ट जिनके बारे में आप बता रहे हैं उनकी फ़ोटो आपको लगानी है पेज नंबर वन ज़ीरो एट

I have visited मैनी स्ट्रेंज आईलैंडस गुलीवर जो है वो एक सेलर है और उसने कई अजीबो गरीब आइलैंड को विज़िट किया है वंस आई विजिटेड एन आईलैंड ऑफ ड्रॉफ्स कॉल्ड लिलीपुट एक बार एक बार उसने गुलीवर ने लिलीपुट आइलैंड को भी विजिट किया है जो कि आइलैंड ऑफ ड्रॉफ्स है ड्रॉफ्स यानी बॉने लोग आई वॉज अ जॉयट अमंग द लिलीपुट्स दैन आई लैंडेड ऑन एन आईलैंड ऑफ जाइंट्स वेर आई वॉज़ अ ड्रॉफ पहले जब वो लिलीपुट गया विजिट किया तो वहाँ पर ड्रॉफ्स के सामने गुलीवर एक जॉन्ट था लेकिन जब दूसरी बार वो एक दूसरे आईलैंड पर गया वो था आईलैंड ऑफ जॉन्ट्स जहाँ पर लिलीपुट एक ड्रॉफ था लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आईलैंड ऑफ जाइन्ट्स अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि आईलैंड ऑफ जाइन्ट्स पर उसने क्या चीजें एक्सपीरियंस की आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द दच वेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस इज़ द मीनिंग ऑफ हेच वट इज द मीनिंग ऑफ हेच हेज का मतलब होता है जो गैप होता है हैज का मीनिंग होता है जो हम घास फूस से एक फेंस बना देते हैं उसको हम हैज कहते हैं अब यह हैज के बीच में गैप हो गया था और लिलीपुट उसे सॉरी गुलीवर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा जॉइंट बाजू वाले खेत में दौड़ चलता हुआ आ रहा है फैंस की तरफ आई वॉज स्ट्रक विथ फियर एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ वो डर गया गुलीवर जो था वो जॉइंट को देख के डर गया और उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश करी ही कॉल्ड ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट गुलीवर ने उस जॉइंट की आवाज़ सुनी जो कि एक बाजे से भी बहुत बड़ी आवाज थी इट्स साउंडेड लाइक थंडर उसे वो एक थंडर की तरह साउंड की सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हैम केम टू वर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप जो उसके जैसे ही सात और जॉइंट सात और मॉन्स्टर्स उसके जैसे दिखने वाले फील्ड में आ गए और वो रेडी थे किस चीज के लिए रेडी थे टू रीप द कॉर्न वो कॉर्न मकई जो होती है भुट्टा मकई को तोड़ने के लिए वो रेडी थे दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेर आई ले हिडन आइसक्रीम एज लाउड एज आई कट द क्रीचर स्टॉप रिपिंग मी अप बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉडमी क्लोज टू हिस्स आईज सिक्सटी फीट अब द्राउंड हिलोगेट मी विथ क्यूरियासिटी एंड ब्ल्यू माई हेयर असाइट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस जब वो जॉन्ट्स कॉर्न काटने के लिए आए उनके पास में बड़े बड़े रीपिंग हब थे जब उनमें से एक रूपर एक रीपर वहाँ आया जहाँ पर गुलीवर छुपा हुआ था गुलिवर को लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा या उसको रीपल लग जाएगा वो ज़ोर से चिल्लाया और जब वो चिल्लाया तो जो जायंट था उसने वहाँ पे फसल काटने की बजाय उसने गुलीवर को अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से उठाया और अपने आँखों के पास में ले जा के देखा और वो हाइट थी सिक्सटी फीट ग्राउंड से ऊपर उसने ध्यान से और क्यूरियोसिटी के साथ में गुलीवर को देखा फिर फूंक मार के उसके बाल उड़ाए जिससे कि उसका फेस साफ दिखाई दे सके ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुल्ड ऑफ माई हैथ एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस each time i did so the farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain the farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor जब जॉइंट ने उसको देखा तो उन लोगों ने सबको अपने फ्रेंड्स को बुलाया और धीरे से गुलीवर को ग्राउंड पे रख दिया फिर चारों उसके सारे जो जाइंट्स थे वो गुलीवर के आजू बाजू बैठ गए और उसे धीरे से देखने लगे गुलीवर ने आगे और पीछे थोड़ा सा चला और फिर अपने हेड को निकाल कर उसने सारे फार्मर्स को बो किया बो किया मतलब झुका उनके सामने उसने बहुत कोशिश करी कि वो अलग अलग भाषा में ही सही कम्युनिकेशन बना सके लेकिन उसकी आवाज़ वो इतना छोटा था कि वो कितना भी चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ वो जाइंट्स तक नहीं पहुंच पा रही थी फिर उसमें से एक जो फार्मर था जो जाइंट फार्मर था उसने उसको धीरे से अपने घर ले गया और घर ले जाके डाइनिंग टेबल के ऊपर उसको रख दिया डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज टेन फीट इन डायमीटर द फार्मर्स वाइफ क्रैम्बल सम ब्रेड एंड प्लेसडेट बिफ़ोर मी In the middle of the dinner i heard a noise behind me it was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox the farmer's wife was stroking him then entered the farmer's one year old son in the arms of a lady on seeing me the child grabbed me from the table and put me, put my head into his mouth i shouted so loudly

तो उसने देखा कि डिनर लाया जा रहा है और डिनर की जो प्लेट थी उसका डाया मीटर टेन फीट था इतनी बड़ी प्लेट में डिनर आया फार्मर की वाइफ ने बीवी ने क्या किया कुछ ब्रेड के पीसेस लिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके गुलीवर के सामने रख दिए वो खाना खा ही रहा था कितने में उसको बिल्ली के घुराने की आवाज़ आई फार्मर की वाइफ उस बिल्ली को हटाने की कोशिश कर रही थी और बिल्ली का साइज़ टेन टाइम्स यानी दस गुना एक जो बैल होता है उससे दस गुना बड़ा था इतनी बड़ी कैट थी फिर उसकी उसने देखा कि वो फार्मर का एक साल का बेटा आया है एक लेडी उसे लेकर आई है गोद में वो बेटे ने जैसे देखा कि गुलीवर टेबल पर रखा हुआ है उसने फटाक से गुलीवर को खिलौना समझ के उठाया और अपने मुंह में डालने की कोशिश करी तो गुलीवर डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया तो बेबी ने वो गुलीवर को नीचे फेंक दिया उस वो मर जाता गिर के लेकिन जो बेबी था उसकी मदर ने गुलिवर के नीचे अपना एप्रन लगा लिया था तो वो बच गया फिर जब रात हुई तो रात में उसने गुलीवर की गुलीवर को वो फार्मर की बीवी ने अपने बिस्तर पे सुलाया और एक साफ़ सुथरा वाइट हैंकर उसको उड़ा दिया वो सो रहा था तब उसके दिमाग में बस उसको यही ख्याल आ रहा था यही सपने आ रहे थे कि उसका घर उसकी बीवी और उसके बच्चे ही उसे दिखाई दे रहे थे ये जो गुलीवर की स्टोरी है ये ली गई है जॉनेथन स्विफ्ट की लिखी हुई किताब कुलीवर्स ट्रेवल्स में से एक्टिविटी फोर चूज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको कुछ एम सी क्यूज दिए गए हैं आपको उसके करेक्ट आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में टिक करने है। फर्स्ट वन द जायंट कैरी अ रीपिंग हुक बिकॉज वो जो जायंट था उसने अपना बड़ा सा रीपिंग हुक क्यों वो लिए हुए था ही वॉज आंसर बी ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न वो कॉर्न काटने वाला था दे पुट सेकेंड दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू टू लुक एट हिम बिकॉज सी दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन उन्होंने गुलीवर को ग्राउंड पे रख के ठीक से देखा क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था गुलीवर क्या था गुलीवर वॉज़ अ सेलर। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे, जहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंसेस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग आपको टेक्स्ट में से ये सेंटेंसेस लिखने हैं जहाँ पे आपको इसके बारे में बताया गया है जो सेवन सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं द जायट रिपर्स वर फैसिनेटेड बाई गुलीवर ऐसा आपको कौन से सेंटेंस में से पता चलता है दे ऑल सेट ऑन ग्राउंड टू टू टेक अ गुड लुकैटमी ये सेंटेंस आपको लिखना है सो आई एम शेयरिंग माई आंसर्स विद यू यू जस्ट हैव टू राइट दम इन गुड हैंड राइटिंग इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट इज द जा वॉन्टेड टू टेक अ क्लोज लुकैटमी आंसर इज He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. Third, the farmer's son thought Gulliver was a toy. Farmer ke Bete Kolaga ke Gulliver ek toy hai. On seeing me the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. This sentence shows the third statement. फोर्थ वन द फार्मर्स वाइफ फॉर अ काइंड हार्टेड वुमेन ये हमको कहाँ से पता चलता है तो दो सेंटेंसेस से पता चलता है द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड एंड इट बिफोर मी उसने खाने को दिया ब्रेड के पीसेस करके और दूसरा लेटर लीडरशिप पुट मी ऑन हर ओन ब्रेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकर बाद में फार्मर की वाइफ ने अपने खुद के बेड पर गुलीवर को सुलाया और सफ़ेद रंग का साफ सुथरा हैंकर चिफ उसे उड़ा दिया दिस इज दिविटी फोर एक्टिविटी फाइव आइडेंटिफाई टेंस ऑफ गिवन बिलो हियर यू कैन सी फाइव गिवन यू टेंस The sentence is talking about. Let us see the answers. First, he lost his way. Lost is the past form. So the answer is simple past tense. Mother chewed the food. Chewed is a past form. So it is simple past tense again. Excuse me, said Mira. Said is past of say. So this is also simple past tense the baby cries cries is the present tense so it is simple present tense she scolded him scolded is past form of scold that's why it is simple past tense now in sentences the space which is given below in your textbook write five more sentences in the present and past tense i have done one for you others other four sentences you have to make on your own आई हैव मेड टू ब्लॉग्स इन द गि स्पेस सो सिंपल प्रजेंटेंस एंड सिम्पल पास टेंस के मैंने दो ब्लॉक बना दिए हैं आप फर्स्ट वाला सेंटेंस देख के ये मैंने आपके लिए बना रखा है आपको सिंपल पासटेंस और सिंपल प्रजेंटेंस में सेंटेंसेस बनाने हैं मोहन रिंग्स द बेल रिंग्स इज द प्रजेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसी का पास्ट क्या होगा मोहन रेंग द बेल आप अपने मर्जी के कोई भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं इज सिक्स हियर आर अ फ्यू लाइन्स ऑफ लाइफ ये एक पोएम दी गई है द पोए इज टॉकिंग अबाउट लाइफ लाइफ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू ग्रो द नेचर ऑफ़ लाइफ इज टू चेंज द चैलेंज ऑफ़ लाइफ इज़ टू ओवरकम यहाँ पर जो पोएट है वो हमको बता रहा है कि लाइफ के क्या मीनिंग होते हैं लाइफ के अलग अलग मीनिंग होते हैं टू डिफरेंट पीपल कुछ लोगों के लिए लाइफ इज़ लाइफ का एडवेंचर क्या है लर्न करना उसका पर्पस क्या है ग्रो होना नेचर क्या है लाइफ का बदलते रहना लाइफ का चैलेंज क्या है कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी सिचुएशन से बाहर आना द एसेंस ऑफ लाइफ इज टू केयर द अपॉर्चुनिटी ऑफ़ लाइफ इज टू सर्व द सीक्रेट ऑफ़ लाइफ इज टू डेयर द स्पाइस ऑफ़ लाइफ इज टू बी फ्रेंड द ब्यूटी ऑफ़ लाइफ इज टू गिव अब सेकेंड पैसेज में पोएट बता रहा है कि जो हमारी लाइफ का एक एसेंस है वो क्या है दूसरों की केयर करना उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है किसी के लिए सर्व करना सर्विस देना सीक्रेट क्या है लाइफ का हिम्मत करना ब्रेवरी दिखाना स्पाइस यानी क्या चीज़ उसमें स्वाद लाती है लाइफ में तो वो है दोस्त बनाना और ख़ूबसूरती क्या है ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं चाहे हेल्प है फाइनेंशियली इमोशनली वो हमें दूसरों को देना तो जब हम दूसरों को कोई चीज़ देते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है दैट इज़ द ब्यूटी दैट इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ अब आपको ये पोएम वन टाइम अपनी नोटबुक में यू हैव टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग समरी ऑफ द पोएम यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बुक आई विल शेयर माय समरी विथ यू एक्टिविटी सेवन थिंक एंड आंसर अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको इस पोएम से रिलेटेड ही दिए गए हैं बट कुछ आंसर्स आपको खुद लिखने हैं वट इज़ लाइफ लाइफ क्या है इसका मीनिंग मैं आपको दे रही हूँ बट इसके नीचे आपको अपने आंसर्स खुद लिखने हैं सो लाइफ इज टू लव एंड केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइफ का मीनिंग होता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्यार देना और उनकी केयर करना लाइफ मीन्स हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स लाइफ का और भी एक मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना और सेवा करना लाइफ मीन्स टू फेस डिफ़िकल्ट टाइम्स ब्रेवली लाइफ का मीनिंग होता है कि हमको मुसीबतों का सामना पूरी बहादुरी के साथ करना चाहिए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू फेस्ड इन लाइफ आपने अगर अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है तो आपको उसके बारे में शॉर्ट में लिखना है राइट अबाउट अ फ्रेंड हु हेल्पड यू अब आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में थे या आपको कभी मदद की ज़रूरत थी आपके किसी फ्रेंड ने आपकी मदद करी है तो आपको उसके बारे में लिखना है ओके वॉट इज यम्बिशन इन लाइफ The ambition of my ambition आपको आंसर ऐसे लिखना है कि आपका एम्बिने आपका एम्बिशन क्या है आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं सो so आप लिखेंगे माय एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम डैश मैंने डैश इसलिए लिखा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं टीचर बनना चाहते हैं पेंटर बनना चाहते हैं वो आपके अपने आंसर्स होंगे ओके एक्टिविटी एट रीड दिस वाई एनिमल्स स्पिट स्पिट यानि थूकना एनिमल्स क्यों थूकते हैं स्पीट स्पिट कीप्स माउथ मॉइस्ट एंड सॉफ्टन एंड आवर फूड वेन वी च्यू जब आप अपने खाने जब आप चबाते हो मुंह में तो आपका थूक क्या करता है आपके खाने को सॉफ्ट रखता है और गीला रखता है विदाउट स्पिट इन आवर माउथ्स We could have a hard time talking. हम जब बात करते हैं तो हम अपने मुँह को ईज़ीली खोल सकते हैं और हम बातें कर पाते हैं because of जो थूक हमारे अंदर है ठीक है वो हमारे मुँह को ड्राई नहीं होने देता अगर ड्राई होता हमारा मुँह और हमारे मुँह में थूक नहीं होता तो क्या होता हमारे को बहुत तकलीफ़ होती वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू सॉलू हम गिटकने के लिए भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है बट फॉर सम एनिमल्स स्पिट वर्क बेटर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द माउथ लेकिन कुछ एनिमल्स के लिए ऐसा होता है कि थूक तब ज़्यादा अच्छा काम करता है जब वो मुँह में से निकल जाता है सम एनिमल्स आर एक्सपर्ट्स एट सर्वाइविंग बिकॉज दे आर एक्सपर्ट स्पिट्स कुछ एनिमल्स इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से थूक लेते हैं लामास आर एनिमल्स ऑफन फाउंड इन पेटिंग जूज एंड फार्म्स। जो लामा होते हैं वो अक्सर जूज में या फार्म्स में देखने मिलते हैं दीज एनिमल्स सीम टू लाइक देयर पर्सनल स्पेस ऐसे एनिमल्स को ये जो लामाज होते हैं इन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद होती है अ लामा दैट फील्स थ्रेटन और एनॉयड विल स्पिट स्लिमी गॉब्स एट यू टू गेट यू टू लिव इट अलोन जो लामा बहुत ज़्यादा गुस्सेले होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं या उनको ऐसा लगता है कि उनको खतरा है किसी चीज़ से तो वो एक स्लीमिक गॉब अपने मुंह से निकालते हैं जिससे कि जो उनका जिससे उनको खतरा है वो वहाँ से चला जाए और उनको अकेला छोड़ दे समाइम्स लामाज इवेंट्स पेट ऑन ईच अदर टू स्टील फूड कभी कभी वो एक दूसरे के ऊपर भी थूकते हैं जिससे कि वो एक दूसरे का खाना चुरा सकें दिस ट्रिक यूजली बर्ग्स बिकॉज अ लामाज स्पिट इंक्लूड्स फूड फ्रॉम लामाज स्टमक एंड इट कैन बी क्वाइट स्मेली उनका जो थूक होता है वो जब थूकते हैं तो उसमें कुछ खाने का पोर्शन भी आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही गंदी स्मेल वाला होता है वेन अ लामा स्पिट्स ऑन अनदर एनिमल एनिमल यूजअली लूजेज इट्स एपिटाइट एंड वर्क्स अवे लिविंग इट्स वट बिहड जब लामा किसी एनिमल के ऊपर थूकता है तो वो जो आ, एनिमल होता है वो उसकी भूख मर जाती है वो स्मेल की वजह से और वो वहाँ से अपना खाना छोड़ के चला जाता है इस तरीके से लामा को उस एनिमल का खाना मिल जाता है स्पिटिंग कोबराज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्सपर्ट एम जो कोबरा होते हैं वो भी अपना थूक उड़ाते हैं ठीक है और वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं दीज स्नैक्स स्प्रे पॉइजनस वेनम फ्रॉम देयर फैंग्स टू प्रोटेक्ट दमसेल्स जो स्नैक्स होते हैं वो इसलिए स्पिट करते हैं जिससे कि वो खुद को बचा सकें साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज स्नैक्स एक्चुअली एम फॉर द आइज और ये जो स्नैक्स होते हैं वो सामने वाले की आँखों के ऊपर स्पिट करने की कोशिश करते हैं वो आइस को एम करते हैं जिससे कि उनका वैनम आइस पे लगते ही आदमी अंधा हो जाता है वैन अ कोबराज वैनम गेट्स इन टू द आइज ऑफ एन एनिमल द वैनम काजस टेरिबल पेन एंड इवन ब्लाइंडनेस एनिमल हो या इंसान हो अगर कोबरा का या किसी भी स्नेक का स्पिट जो थूक है वो हमारी आँख को लगेगा तो वो बहुत दर्द करती है तब आँखें और जलन होती है और ब्लाइंडनेस भी हो जाती है दिस गिव्स द स्नैक प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट अवे इसी बीच जब आदमी या जानवर अपनी आँखें मल रहा होता है स्नैक को टाइम मिल जाता है भाग जाने का स्पिटिंग इज़ कंसिडर टू बी रूड बिहेवियर इन पीपल लेकिन अगर हम थूकते हैं जानवर थूकते हैं या तो खाना पाने के लिए या तो अपनी जान बचाने के लिए लेकिन अगर इंसान थूकते हैं तो इसे एक रूड बिहेवियर माना जाता है बट फॉर सम एनिमल्स स्पिटिंग कैन बी अ स्मार्ट वे टू गैट लंच कुछ एनिमल्स के लिए थूकना एक स्मार्ट वे है उनका लंच पाने का और अ क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग लंच या फिर लंच किसी और एनिमल का लंच बनने से भी इन एनिमल्स को स्पिटिंग थूकने से मदद मिलती है आंसर दीज क्वेश्चन अब ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं देट इज बेस्ड ऑन द पैसेज देट वी हैव जस्ट रेड इन एक्टिविटी एट फर्स्ट क्वेश्चन वाई डज़ अ कोबरा स्पिट कोबरा क्यों थूकता है सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कोबरा स्पिट्स टू प्रोटेक्ट इट कोबरा इसलिए थूकता है जिससे कि वो खुद की जान बचा सके वाई शुड ह्यूमन सेटअप्स अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस आपको क्यों लगता है कि ह्यूमन सेटअप जो है उसको पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं चाहिए जानवर थूक सकते तो इंसान क्यों नहीं थूक सकते स्पिटिंग इज़ बैड मैनर्स एंड स्पिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी अनहाइेनिक हम देखते हैं ना अक्सर फ्लै जो बिल्डिंग्स होती है या ऑफिस एरिया होते हैं वहाँ पर दीवारों पर लोग थूक के चले जाते हैं तो वहाँ पर पान के या बीड़ी के या जो भी उन्होंने खाया होता है उसके स्पॉट्स बन जाते हैं दैट इज़ वेरी अनहाइजेनिक तो स्पिटिंग इज़ बैड मैनर्स भी होते हैं और थूकना अनहाइजीनिक भी होता है वाई इज़ स्पिट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स थूक इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है तो स्पिट केप्स अवर माउथ मॉइस्ट सॉफ्ट इन द फूड एंड मेक्स इट वेरी ईजी टू सॉलो एंड मेक्स इट ईजी फॉर अस टू टॉक जो थूक है वो हमारे मुंह में एक गीलापन बनाए रखता है मॉइस्ट रखता है सॉफ्ट बना देता है हमारे खाने को हमको गिटकने में इजी हो जाता है और हमें बात करने में भी आसानी रहती है थूक की वजह से Next is find information about other animals that use their spit in different ways. Now uh, here there are four sentences which I have written. I am going to share it with you. The archer fish spits jet of water at insect and other small creatures to knock them down and eat them up. Jo Archer fish pani. छोड़ती है मुँह से इंसेक्ट्स और दूसरे स्मॉल एनी स्मॉल क्रीचर्स के ऊपर जिससे कि वो उनको मार के खा सके जो स्पिटिंग स्पाइडर होते हैं वो इसलिए वेनम थूकते हैं जिससे कि उनके जो थूक होता है उसमें जहर चिपचिपापन और सिल्क होता है जिससे कि उसका प्रे उसमें फंस जाता है फुलमर एक बर्ड है जो कि सीगल जैसी दिखती है और उसकी जो थूक होती है वो बहुत ही बदबूदार जूसे से भरी होती है और जब वो ये दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स पे डालती है तो वो उसे उनके नेस्ट में से उड़ा देती है भगाने की काम करती है वॉलरस भी अपना खाना पाने के लिए थूकता है ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो But I want you to do this activity in your notebook. You may stick the picture and write at least 5 sentences to describe the animal you see in the picture. Okay, so this is a do-it-yourself activity. Aapko karna hai. Activity 10. Write the meanings and opposite of the following words. Construct a sentence for each in the space given below. You may use dictionary to complete the task. Here. आई हैव डन द फर्स्ट वर्न फॉर यू सेकेंड वाले में मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बना के बताया है और उसके ऑपोजिट आपको खुद अपोजिट भी दिया हुआ है मीनिंग दिया है ऑपोजिट दिया है बाकी सेंटेंसेस आपने आपको बनाना है ठीक है सो फर्स्ट वर्ड इज ग्लैड ग्लैड का मीनिंग होता हैप्पी मीनिंग में लिखेंगे हैप्पी सेंटेंसेस का बनाएंगे तो मैंने अभी आपको अपना सेंटेंस बना के दिया है आप चाहें तो अपना खुद का सेंटेंस लिख सकते हैं वी आर हैप्पी दैट वी वन द मैच हम खुश हैं क्योंकि हम मैच जीत गए इसको ऑपोजिट क्या होता है अनहैप्पी या फिर सैड उसका सेंटेंस आपको ऑपोजिट वाले वर्ड्स ऑपोजिट्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है सो so, इस एक्टिविटी में एक्चुअली क्या करना है ग्लैड है उसका मीनिंग लिखना है फिर ग्लैड को यूज़ करके या उसके मीनिंग को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है उसके ग्लेट का ऑपोजिट लिखना है वो ऑपोजिट के वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक और सेंटेंस बनाना है तो so एक्चुअली आप दो सेंटेंस बनाएंगे फॉर वन वर्ड एक उसके मीनिंग को यूज़ करके और दूसरा उसके ऑपोजिट्स को यूज़ करके स्कैमर स्कैम्पर का मतलब होता है रश यू विल हैव टू रश टू कैच द बस ओके आपको जल्दी करनी पड़ेगी बस पकड़ने के लिए रश का ऑपोजिट होता है स्लो डाउन अब यहाँ सेंटेंस आप खुद बनाएंगे एपजोर एपज्योर का मतलब होता है रिजेक्ट किसी चीज़ को ना पसंद करना रिजेक्ट कर देना सेंटेंस खुद बनाइए आप चाहें तो रिजेक्ट को यूज करके भी बना सकते हैं या फिर एपज्योर को यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं ऑपोजिट इसका ऑपोजिट क्या होता है एपज्योर का रिजेक्ट का ऑपोजिट होता है एक्सेप्ट अपनाना सेंटेंस आपको खुद बनाना है सो so, तीन सेंटेंसेस सेंटेंसेज आपको खुद बनाना है मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है विथ दिस आई एंड माई चैप्टर हेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा इसकी एक्सरसाइजेज़ भी आपको समझ में आई होंगी इफ़ यू स्टिल फेस एनी डाउट और इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेलाइकन सो यू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर द वीडियोज़ विच आर गोइंग टू कम In your mailbox, also in your YouTube. Thank you once again for watching my video.